इवनिंग दोस्तों, आज मैं फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आज का ब्लॉग है, मैं आपको बताऊँगी अर्द्रा के बारे में। जी हाँ, अर्द्रा क्यों मनाया जाता है और अर्द्रा में क्या खाना चाहिए और क्या खाना बनता है। तो चलिए मैं पूछती हूँ अपने मदर इन लॉ से कि वो क्या बनाएंगी अर्द्रा में। मैं बताई थी कि आज हमारे यहाँ मन रहा है अर्द्रा, और अर्द्रा क्यों मनाना चाहिए वो सबसे अच्छा मम्मी बताएंगी। बताइए मम्मी। अर्द्रा में माँ अपना बेटा का खीर बा पूरी, दाल भरल पूरी या खीर बना के खिलाती है। अर्द्रा के माँ खीर बना के खिलाती है अपना बेटा के। तो आप जान गए कि अर्द्रा क्यों मनाया जाता है। अर्द्रा की जो माँ जो थी वो इस पख में अर्द्र खीर बना के खिलाई थी, और हर माँ अपने बेटे को इस पख, एक पख होता है अर्द्रा, उसमें खिलाती हैं। यही है ना मम्मी। चलिए देखिए मम्मी क्या अभी अभी दाल डाल रही हैं। चना का दाल डाल रही हैं। ये दाल भरा पूरी बनेगा, खीर बनेगा और आम। यही होता है ना मम्मी। सब्जी बना उसका महत्व है, पंडित जी के खिलाओ या अपने खाओ। अब बहुत जगह मम्मी पूजा भी तो होता है ना। हाँ, देव देवता को चढ़ाया भी जाता है। हाँ, अपने पड़ोस के खिया, पंडित जी के खिया, अपने बच्चे के खिया। अदरक के महत्व है। हाँ, मैं खीर बना के खिलाई थी। ये महत्व है कि अदरक के माँ, अदरक में माँ खीर बना के खिलाती है। खीर बना के खिलाना बहुत जरूरी है, अपना बच्चों के खीर बनाना बहुत जरूरी है। अदरक के माँ घोंघा में खीर बना के खिलाई थी। तो आप जान गई कि अर्द्रा की माँ क्या थी, वो घोंघा में अपने बच्चे को खीर बना के खिलाई थी। हर एक माँ को खिलाना चाहिए और इस पक्ष में हर हर एक माँ को खिलाना चाहिए। बाकी मम्मी आपको तो सारा डिटेल बता ही दी। मेरी भी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, हमारे वीडियो को भी देखती हैं, चैनल भी सब्सक्राइब करती हैं और सबको बोलती भी हैं कि हमारी बहू का चैनल है तो उसको देखने के लिए भी। आपकी भी मदर इन लॉ इतनी अच्छी है तो हमें भी बताइए कमेंट्स करके, और मैं अपने भी मदर इन लॉ के साथ मेरा वीडियो देखें, और अभी वीडियो बनाती है तो हम भी देखेंगे अपनी मम्मी के साथ। है ना मम्मी। अभी कर नहीं मिला रहे थे अब मैं अर्द्रा का पूरी तल रही हूँ, दाल भरा पूरी। और इससे पहले आपको मैं दिखाई कि मम्मी कैसे भर रही हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप अपने किचन में नमक रखें तो वो शीशे के जार में रखें, वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अब धीरे धीरे मैं इसे निकालूंगी, सारे लोग धीरे धीरे खा लेंगे, अर्द्रा हमारे यहाँ बन जाएगा। हमारे यहाँ अर्द्रा का पूजा नहीं होता है, लेकिन इस वक्त में बनाया जाता है खीर पूरी और आम के साथ सारे लोग खाते हैं। अगर आप बिहारी हैं तो ज़रूर समझते होंगे अर्द्रा क्या होता है, और अगर नहीं है तो आप समझ जाइए कि बिहार में ये चीज़ मनाया जाता है। 15 दिन का ये पक होता है अर्द्रा। आपके किचन में भी निकाला जाता होगा, जब भी कुछ ऐसा पूजा होता है और बनता है तो सबसे पहले निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही कोई खाते हैं। कि फाइनली खाना बन चुका है और निकल गया है थाली में, अब सारे लोग खाएंगे खीर पूरी आप। ये देखिए, रात के 11:30 बज रहा है और हमारे किचन का हाल देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया है। दीप मम्मी जला दी हैं, पानी रख दी हैं, और अब धीरे 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 मैं भी बाहर निकल रही हूँ और लाइट बंद। अपना किचन का गेट बंद कर दी। देखिए हमारे गली का हाल, रात के 11:30 कैसा हाल है देख सकती हूँ आप लोग। देखिए सारे लोग सो चुके हैं और पूरे गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। देख सकती हैं हमारे गली कॉलोनी में बारिश का पानी लगा हुआ है। रात के 11:30 और मैं अभी बाहर निकली हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मैं दिन में बाहर नहीं आती, इसलिए मैं अपनी गैलरी में आई हुई हूँ। देख सकते हैं
पूरा गली सन्नाटा है, कहीं कोई नहीं, सब अपने घर में सो रहे हैं। गुड नाइट। आप हमें ज़रूर बताना कि हमारा ये आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। ये देखिए कुंज कैसे सो रहे हैं अपने इस छोटे से मच्छरदानी में। और ये जो नेट देख रहे हैं ये कुंज को गिफ्ट में मिला है और ये उनकी बुआ दी है। और बीच में आप देख सकते हैं ये जो बॉल है, रंग बिरंगा बॉल जो दिख रहा है वो इसके छोटे वाले दादाजी दिए हैं। इसको इसमें इसलिए लगा दी हूँ कि ये बहुत अच्छा से किक मारता है और बहुत खेलता है इससे, इस बॉल से बहुत खेलता है। ठीक है, अब देख लीजिए।